ज़िला भी शामिल है जिसमें सभी सीटें बेहद महत्व की हैं और बड़े कांटे के मुकाबले भी हैं। तो तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए प्रचार थमा। 19 तारीख को यहां पर वोट पड़ेंगे। बहुत बड़ा प्रदेश, 7 चरणों में चुनाव, 2 चरण निपट चुके हैं और अच्छी खासी वोटिंग हुई है। अब तीसरे चरण के लिए प्रचार थमा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोश लगाया, पूरा जोर लगा डाला। सपा कांग्रेस गठबंधन ने जमकर रैलियां की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ी रैली की। बीजेपी ने भी तीसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। विशाल सिंह रघुवंशी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। जी विशाल, तीसरे चरण के लिए प्रचार तो थम गया है, कौन कौन सी अहम सीटें, अगर हम अहम सीटें और अहम उम्मीदवारों की बात करें तो जरा एक बार हमारे दर्शकों को एक बार जरा याद दिला दीजिए। देखिए इसमें लखनऊ समेत जो करीब 11 जिले हैं उसकी 69 सीटें हैं और इसमें मैनपुरी भी शामिल है। मतलब साफ है कि जिस तरह से अब ये जो तीसरे चरण का जो मतदान होना है 19 तारीख को, उसका आज 5 बजे तक जो प्रचार था वो थम गया है। मतलब साफ है कि तमाम बड़े दिग्गजों ने अपनी अपनी जो ताकत है वो झोंक दी थी, क्योंकि लखनऊ समेत तमाम जिले हैं, चाहे कानपुर की बात करें, बाराबंकी की बात करें, मैनपुरी की बात करें, फर्रुखाबाद की बात करें, यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। सबकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। खासतौर से लखनऊ, हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे में इस बार देखना होगा, क्योंकि कई बार जो प्रत्याशी थे वो इस बार नहीं है चुनाव मैदान में। रीता बहुगुणा जोशी भले ही कैंट से उम्मीदवार हों, लेकिन इस बार उन्होंने अपना दल बदल लिया है। कांग्रेस की जगह वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी थी और वो वहां से उम्मीदवार है। ब्रिजेश पाठक जो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, वो लखनऊ मध्य से इसी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे। नीरज बोरा जो कभी कांग्रेस के साथ थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना जो दावा है वो ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के कई महारथियों का जो का कैरियर है, कह सकते हैं जो उनकी किस्मत है, उसका पूरा ये जो कह सकते हैं कि किस्मत आजमाने का जो पूरा तरीका है, या कह सकते हैं जो पूरी तरीके से जो किस्मत किस किस रंग जाएगी, ये साबित करेगा 19 तारीख का लोकतंत्र का जो महापर्व का जो मतदान है वो। और आज फिलहाल शाम 5 बजे तक फिलहाल चुनाव आयोग की जो संहिता है उसके आधार पर प्रचार प्रसार काम तीसरे चरण का रुक गया है और अब सबको इंतजार है 19 तारीख को, क्योंकि 19 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और तभी मालूम चल पाएगा किस पार्टी के फेवर में वोटिंग परसेंटेज जाते हैं। हालांकि अगर आप तीसरा फेज देखिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ेगी समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के गठबंधन की, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने ही अच्छा किया था 2012 के चुनाव में, भले ही वो अलग अलग थे लेकिन इस बार के तीसरे चरण चुनाव में अच्छा किया था। तो अब लड़ाई में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की आएगी। अब ध्रुवीकरण की राजनीति इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ेगी। यहां पर सीधे मुद्दा आ जाता है विकास का, यहां पर मुद्दा आ जाता है सीधे तौर पर एक आपकी विरासत का। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि विरासत की लड़ाई रहेगी, और क्योंकि लखनऊ में कहा जाता है कि अटल जी का गढ़ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी तमाम सीटें बचाने के साथ साथ नई सीटें लाने की कवायद करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के पिछली बार कई अच्छे विधायक आए थे, चाहे बात करें रिहान नईम की बात करें, अभिषेक मिश्रा की बात करें, रविदास मिश्रा की बात करें, तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनको अपनी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगी रहेगी। साथ ही साथ अगर बात करें आसपास के जिलों की, तो वहां पर भी कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगेगी। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे का जो टिकट काटा गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात हुई थी, अरविंद सिंह गोप की बात किया जाए, या तमाम और भी रायबरेली से आदित्य सिंह की बात करें, पूरा तो ये पूरा समीकरण है, ये साफ कर रहा है कि सबकी किस्मत 19 तारीख को पता चलेगी। खुलेगी भले 11 मार्च को, लेकिन 19 तारीख को जिस तरह से मतदान का प्रतिशत होगा उसी के आधार से उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो तय होगी। सबको उम्मीद है कि एक अच्छा खासा प्रतिशत आएगा। पिछली बार अगर बात करें तो 67 पॉइंट समथिंग का जो प्रतिशत था मतदान का वो रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जिस तरह से जागरूकता प्रोग्राम चलाए गए हैं उससे करीब 75% के आसपास का मतदान होगा। तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि इस बार ईवीएम मशीन में जो जिन उम्मीदवारों की किस्मत कहर होगी वो अपने आप में एक बड़ा कद रखते हैं। कई जिलों से अलग अलग जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनका एक अच्छा खासा पैठ रहा है। तो मतलब साफ है कहीं पर राजनीतिक विरासत बचाने की जंग होगी, तो कहीं पर नए तरीके से
अपने आप को प्रेजेंट करके, भले दल अलग हो गया हो लेकिन अपने आप को साबित करने की जंग होगी। तो ये पूरा एक समीकरण है और इस समीकरण पर 19 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन फिलहाल चुनाव आचार संहिता का जो पूरा पालन होता है उसके चलते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अब शाम 5 बजे तक जो है पूरी तरह से जो चुनाव प्रचार था वो